अयोध्या में राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं। जयपुर से दर्जनों भक्त नंगे पैर लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या धाम पहुंचे हैं और अपने साथ रामलला को समर्पित करने के लिए आधा किलो चांदी की चरण पादुका लेकर आए हैं। इन भक्तों ने साथ में 501 किलोग्राम शुद्ध घी भी प्रभु श्री राम को अर्पित करना चाहा। क्या है इन भक्तों के मन में रामलला की भक्ति का भाव, इसका जायजा लिया दूरदर्शन संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने। कहते हैं भक्ति का कोई रंग नहीं होता है और यह रंग जब राम के प्रति हो तो उसका श्रृंगार भी अनोखा होता है। जयपुर से दर्जनों लोग नंगे पांव चलकर लगभग 800 किलोमीटर 21 मार्च को वहां से चले थे, अब आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वो आधे किलो की खड़ाऊं भगवान श्री राम को चांदी की खड़ाऊं समर्पित करना चाहते हैं। यह आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस खड़ाऊं को लेकर के जयपुर से यहाँ तक की यात्रा पूरी कर रहे हैं। ये इसमें जो भी भक्त हैं वो सारे के सारे नंगे पांव चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इस कड़ी धूप में, इस कड़ी गर्मी में बावजूद इसके इनके भक्त में कोई असर नहीं पड़ता है। कारण साफ है, भगवान के प्रति इनकी जो आस्था है वह एक निर्मल आस्था है। जो ये भगवान के लिए चांदी की जो चरण पादुका और 501 किलो से अधिक गीजो की दरबार में पीछे की साइड में है, ये संकल्प लेकर के चले थे कि ये भगवान को हम रामनवमी को अर्पण करेंगे और सभी जो हमारे साथी हैं बड़े जुनून के साथ में और जोश के साथ में नंगे पांव चल कर के आ रहे हैं, जो कि जयपुर से ये जो दूरी है वो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है और उसी संकल्प से हम यहाँ आज पहुँचे हैं। और ये जो रामनवमी 17 अप्रैल को आ रही है उस दिन हम ट्रस्ट से निवेदन करेंगे कि भगवान रामलला को अर्पण करें। हम अखंड ज्योत लेके चल रहे हैं साहब, जयपुर से नंगे पैर आ रहे हैं साहब। बहुत स्वस्थ है, कोई ऐसा वो नहीं है। 501 किलो घी है साहब इसमें, पीछे की साइड रखा हुआ है। बिल्कुल शांतिपूर्वक रामनवमी को हम झंडा चढ़ाना चाहते हैं। आनंद आ रहा है, खूब खूब आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। भगवान की कृपा हो रही है, रामलाल जी महाराज की बहुत कृपा हो रही है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मन में वाह प्रभु के प्रति जो इच्छा है उनकी। मंदिर बन गया, इससे प्रसन्नता आपको हो रही है? बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता आता है, हो रही। तभी तो पैदल नंगे पांव आ रहे हैं सभी लोग। आस्था का एक ऐसा बलवती रूप है जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, BD News अयोध्या।